दोस्तों, आप अपने विंडोज 10 OS वाले PC या लैपटॉप को बिना किसी बूटेबल पेन ड्राइव या CD के भी रिसेट कर सकते हैं और इसके बाद आपका कंप्यूटर अच्छे से काम भी करने लगेगा, क्योंकि यह एक तरह का न्यू विंडो इंस्टॉल करने का तरीका ही है, वो भी बिना बूटेबल पेन ड्राइव और CD के। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको विंडोज का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर आ जाना है विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा रिकवरी, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल फाइल्स वगैरह को रखना चाहते हैं और केवल विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन चुने, और अगर आप चाहते हैं कि सभी ड्राइव्स का डाटा फुल फॉर्मेट हो जाए और उसके बाद नई विंडोज इंस्टॉल हो जाए तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन चुने, बट आप फर्स्ट ऑप्शन ही चुनना। इसके बाद आपको रिसेट पर क्लिक करना है और प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर में नई विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी, ओके, वो भी बिना बूटेबल पेन ड्राइव और CD के।